रातों पर नाके पर तैनात ये पुलिस, गाड़ियों की चेकिंग करते ये पुलिसकर्मी, लोगों से जुड़ी जानकारी नोट करती ये करनाल पुलिस है जिन्होंने गुरुवार रात को नाइट डोमिनेशन चलाया। इस डोमिनेशन का मुख्य उद्देश्य न सिर्फ क्राइम पर अंकुश लगाना था बल्कि बेखौफ घूम रहे बदमाशों के मन से डर और पैदा करना था। इसके लिए करनाल के चप्पे चप्पे पर पुलिस के नाके देखने को मिले और वो तमाम लोग जो वाहन से कहीं जा रहे थे उनके वाहनों की चेकिंग करके उनसे जुड़ी जानकारी नोट की जा रही थी। वहीं पुलिस का ये प्रयास चोरी व बढ़ती आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने का था। देखना ये होगा कि क्या इन प्रयासों से क्राइम ग्राफ में गिरावट आएगी या फिर ऐसे नाइट डोमिनेशन से कुछ भी असर चोरों पर दिखाई नहीं देगा। न्यूज़ वन हरियाणा के लिए करनाल से सुभाष गुप्ता की रिपोर्ट। आपका नाम? बिल्कुल, आज नाइट डोमिनेशन है जो कि डीजीपी साहब की तरफ से पूरा हरियाणा में नाकाबंदी है आज, जो कि आज जो भी सस्पेक्टेड गाड़ी हैं सबको आज चेक किया जा रहा है। तो आज करनाल में भी जैसे पूरे हरियाणा का मैसेज है, करनाल में भी सभी थानों में सभी चौक पर अब नाकाबंदी हुई है, जो कि हमारे मेरे अधिकार क्षेत्र में जो थाना सिटी में है हमारी 6 जगह नाकाबंदी है। करीब 65 से 70 आदमी नाकों पर जो तैनात है, उसके अलावा 4 पेट्रोलिंग पार्टीज, ऐसे सभी थानों में नाकाबंदी हो रही और सभी DSPs और SP साहब खुद भी बार नाका चेक कर रहे हैं और सभी पूरी फोर्स सड़कों पर है। अभी हमारा इलाका सिटी का ही अभी दौरा है, महिला थाना का चेक कर गए हैं और इलाका सिटी का ये दूसरा नाका हमने चेक किया है। तो इसमें हमारी जो नाइट डोमिनेशन के तहत जो चेकिंग है वो दुरुस्त है। तो आगे भी इस तरीका का प्रयास करने की कोशिश की जाएगी ताकि शहर में आपराधिक वारदातें कम हों? तो ये नाइट डोमिनेशन हमारा पर मंथ आता है और इस संबंध में हम अपनी पूरी तैयारी करके ना और पूरा नाके हर जगह पॉइंट जो एग्जिट पॉइंट है और हैं चेकिंग के, और इसको मद्देनजर रखते हुए तो ये ड्यूटियाँ लगाई जाती है। बाकी जगह भी जाएंगी सर? बाकी जगह, सभी जगह।